33% ৩৩টি সামগ্রীর কমিব জিএসটি দিল্লিতে জিএসটি পরিষদর বৈঠকরে হয়েছে এই নিষ্পত্তি আসন্তু এর সিধাসড়ক চিত্র দেখিবা অধিকতর স্টেটস মে ইম্প্রুভমেন্ট হে আর জো রেভিনিউ টার্গেট হামারা হে জব হাম কহতে হ্যায় কি টার্গেট সে আবি পিছে হ্যায় তো টার্গেট বড়া স্টিফ টার্গেট হে টার্গেট স্টিফ ইসলিয়ে হে কি 2015-16 का बेस ईयर और उसके बाद तीन इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग तीन बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज्यादा होना चाहिए सो व्हेन यू आर फॉलिंग शॉर्ट बाय 5% और 10% और 6% द टारगेट इटसेल्फ इज अ वेरी स्टिफ टारगेट But some consuming states have certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal have shown a significant improvement. States like Bihar, because unke base year mein higher percentage of VAT tha, kyunki 2015-16 was the year of when prohibition was imposed, to unhone apna VAT bada diya tha us saal mein, to unka denominator bahut stiff tha, to wahan bhi first year ke tulna mein second year mein significant improvement hai. Kuch states hain jinme improvement nahi hai aur members ka suggestion tha ki isko study kiya jaye. Though the only data available so far is part of the first year and part of the second year, a group of ministers will be studying this data. And is data ko study karne ke saath saath, they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, So that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate? Overall increment hai, first year ka average lagbhag 89,000 crores a month hota tha, second year ka approximately 96,000-97,000 crores a year ke kareeb hai. We would have been happier if the rate, if the increase had been higher. But then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down because the pre-GST rates were very high. The GST has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% स्लैब में कुल मिला के 34 आइटम्स बचे हैं उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं बाकी आइटम्स को हमने वे किया और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के एक है सीमेंट का जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है द काउंसिल फेल्ट दैट दिस इज टू स्टीप एट द मोमेंट और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए
तो इन दो आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं, तो उसमें एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीस, ट्रांसमिशन शेफ्ट्स, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रिट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्संस, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनकी कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था, सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। जीरो में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट जिसमें इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा, इट विल बी देन चीपर देन जीरो ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किए, 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 टू 5, 12 टू निल एंड 5 टू निल। ये टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक? अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स विच हैव बीन ब्रॉट डाउन आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर, और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वॉज फिक्स्ड, जो 100 रुपए तक की टिकट है, टिकट अप टू 100 रुपीज विच हैड अ जीएसटी ऑफ 18% हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 12%, और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे जीएसटी 28% था उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है, इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। सिमिलरली जीएसटी ऑन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैरिंग व्हीकल्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 टू 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। अब इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो उसको सर्विस मान लेते हैं राधर देन एन एयरलाइन टिकट कैटेगरी,
So all that category will also be taxed at the same rate at which normal airline tickets are taxed. 5 and 12. Those who travel by economy will be 5, and those who travel by business will be 12. So there'll be no premium tax. There was no reason for it, but some assessing authorities had started charging it because these were special flights or charter flights, and they were charging them at 12% because of that. तो इसमें अगर कोई मानसरोवर जाता है या हज पे जाता है, इस तरह के जो रिलीजियस ट्रिप्स हैं, दे नीड नॉट पे हायर रेट्स ऑफ टैक्सेशन, दे विल पे द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन. इसके अलावा जीएसटी ऑन सोलर पावर जनरेटिंग प्लांट्स एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जीज आइटम, इस पे 5%, और इसमें कई आपको रिलीज दे दी जाएगी. इस कैटेगरी में कई आइटम्स हैं जिसका कि टैक्स रैशनलाइजेशन कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त चार पांच इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जिन पे आज डिटेल डिस्कशन हुई, और ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उसके ऊपर, और ये हुआ कि ये जो रिस्पेक्टिव कमिटीज इसके लिए फंक्शन कर रही हैं या जीओएम कर रहे हैं, ये उनमें डिस्कस होकर जनवरी के महीने में नेक्स्ट मीटिंग में आएगा. सम ऑफ देम दोज इश्यूज विच विल कम अप इन द नेक्स्ट मीटिंग, द फर्स्ट वॉज इन रिलेशन टू टैक्सेशन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द रियल एस्टेट सेक्टर. यह एक इंपॉर्टेंट आइटम है क्योंकि इस सेक्टर में कुछ स्लोडाउन देखा गया. तो इसके पीछे कारण एक ये है कि अगर आप अपार्टमेंट विच इज बीइंग बिल्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टैक्स्ड एट 12%, और अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दैट्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द जीएसटी बिकॉज इट्स इन द स्टैम्प ड्यूटी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो एक इंप्रेशन हो गया कि भाई उसमें तो देना नहीं पड़ता, अगर अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट खरीदते हो तो 12% लगता है, लेकिन उस 12% में जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है, और क्रेडिट मिलने के बाद क्योंकि कई कंस्ट्रक्शन आइटम 12% और 18% में हैं एक्सेप्ट सीमेंट विच इज इन 28, तो रियली वो कंज्यूम हो जाना चाहिए था, लेकिन पोटेंशियल बायर्स को लगता है कि उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा. तो इसमें कई प्रपोजल्स आए हैं काउंसिल्स के सामने, और ये जो लॉ और फिटमेंट कमिटी तुरंत इस पे मिलके अ व्यू विल बी टेकन ऑन इट इन द नेक्स्ट मीटिंग. देयर वाज अ टोटल कंसेंसस दैट समथिंग नीड्स टू बी डन. एज फार एज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन वॉज कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जो लोग हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है, लेकिन जो प्रिडोमिनेंटली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं स्मॉल सप्लायर्स के लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, और इसलिए जब छोटे सप्लायर्स अपना बिल रेज करते हैं तो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स भी जीएसटी कंपोनेंट देने में रिलक्टेंट रहते हैं. इसलिए द रिस्पॉन्स ऑफ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स गेटिंग रजिस्टर्ड हैज नॉट बीन ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स. सो अ यूनैनिमस डिसीजन इन प्रिंसिपल वॉज टेकन